बीआर चोपड़ा ने अगर एक बार अपनी फिल्म का टाइटल नहीं बदला होता तो देश में फिल्म रिलीज होते ही हो जाते लाखों तलाक। बीआर चोपड़ा को भी इस बात का एहसास बाद में हुआ और उन्होंने फौरन अपनी फिल्म का नाम बदल दिया। बाद में जब नए टाइटल के साथ वो फिल्म रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई, उसके गाने आज भी लोगों को याद हैं। ये फिल्म तीन तलाक के मुद्दे को ही लेकर बनाई गई थी। इस मूवी का नाम था निकाह, जिसे बीआर चोपड़ा ने बनाया था और इसमें प्रमुख भूमिका में सलमा आगा और दीपक पाराशर के साथ थे राज बब्बर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का असल नाम निकाह था ही नहीं, फिल्म का टाइटल रखा गया था तलाक तलाक तलाक। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन बीआर चोपड़ा से उनका एक मुस्लिम दोस्त मिलने आया, तब चोपड़ा ने उसे अपनी फिल्म का टाइटल बताया, जिससे वो शख्स चौंका, बोला ये तो गजब हो जाएगा, जो भी शौहर फिल्म देखकर आएगा, बीवी पूछेगी कौन सी फिल्म देखकर आए हो या किस फिल्म की टिकटें लेकर आए हो, तो वो कहेगा तलाक तलाक तलाक, और इस्लाम के हिसाब से तीन बार ये शब्द बोलते ही उनका तलाक हो जाएगा, ऐसे तो लाखों का घर बर्बाद हो जाएगा। चोपड़ा को तब पहली बार अंदाजा हुआ कि ये क्या होने जा रहा है। उन्होंने फौरन इस टाइटल को बदलने का फैसला लिया। काफी डिस्कशन के बाद फिल्म का नाम तलाक से बदलकर निकाह कर दिया गया। इस तरह बीआर चोपड़ा एक बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गए।